देखिए आज की ताजा खबर। एसएस राजमौली की एपिक हिस्टोरिकल फ्लिक बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने तोड़ दिया है सलमान खान का सुल्तान रिकॉर्ड। बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली 2 द कंक्लूजन से उठा तूफान, दो दिन के अंदर अंदर 223 करोड़ की कमाई कर चुका है और बन गया है इसी के साथ इस साल का फास्टेस्ट 200 करोड़ ग्रोसिंग फिल्म। पिछले साल सलमान खान की सुल्तान 7 दिनों के अंदर 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके बन गई थी पिछले साल की फास्टेस्ट 200 करोड़ ग्रोसिंग फिल्म। पर प्रभास और राणा दग्गुबाती स्टार बाहुबली ने जैसे सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ने की कसम खा ली है, तभी तो लगभग सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड इस बाहुबली तूफान के सामने छोटे नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इस विषय में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। एसएस राजमौली की मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट बाहुबली 2 द कंक्लूजन रिलीज के बाद से ही एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े जा रही है और इसी के साथ ये फिल्म मोस्ट सक्सेसफुल एपिक सागा ऑफ ऑल टाइम बनने के लिए तैयार है। पर इस फिल्म को सिर्फ संजय लीला भंसाली की नवंबर में रिलीज होने वाली पद्मावती ही टक्कर दे सकती है और इसके लिए वायकॉम 18 यानी पद्मावती के प्रोड्यूसर्स इस मैग्नम ओपस को ग्रैंड बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, पहले इस फिल्म का बजट 160 करोड़ था, पर जब से बाहुबली को इतनी सफलता मिली है तभी से इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इसके बजट को बढ़ाकर 200 करोड़ करने का निर्णय ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पद्मावती के प्रोड्यूसर्स दर्शकों को एक बार फिर बाहुबली का अनुभव इस फिल्म से लौटाना चाहते हैं। पद्मावती में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने पार किया 625 करोड़ का आंकड़ा। बाहुबली 2 रिलीज से पहले ही कई रिकॉर्ड बना चुकी थी और अब रिलीज के बाद ये एपिक हिस्टोरिकल फ्लिक जैसे हर घंटे नया रिकॉर्ड दर्ज कर रही है। हाईएस्ट एवर ओपनिंग के बाद अब एसएस राजमौली के इस मैग्नम ओपस ने 4 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड 625 करोड़ का कलेक्शन कर इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली है। आपको बता दें, इसी उभरते कलेक्शन के आंकड़ों के साथ बाहुबली 2 द कंक्लूजन बन गई है बिगेस्ट मोशन पिक्चर एवर। जिस तरह से बाहुबली 2 का नशा सबके सर चढ़कर बोल रहा था, 4 दिन के अंदर 625 करोड़ का आंकड़ा पार करना तो जायज है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। सलमान खान करेंगे जैकी चैन को चैलेंज। वेल, जैकी चैन और सोनू सूद स्टारर कुंग फू योगा ने ये साबित कर दिया कि चाइनीज बॉक्स ऑफिस ही किसी फिल्म को 1000 करोड़ की कलेक्शन करवाने के लिए काफी है। और अब सलमान खान अपनी फिल्म ट्यूबलाइट से करेंगे जैकी चैन को चैलेंज। ट्यूबलाइट ही वो पहली हिंदी फिल्म होगी जो इंडिया और चाइना में एक साथ रिलीज होगी। और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान गिने चुने कुछ चाइना के शहरों में ट्यूबलाइट का प्रमोशन भी करेंगे। मतलब इस ईद एक और तूफान ट्यूबलाइट के रूप में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए तैयार है। अब ये देखना होगा कि सलमान खान की ट्यूबलाइट जैकी चैन की फिल्म को कितनी टक्कर दे पाती है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ, ओनली ऑन बॉलीवुड स्पाई। Well, जब भी कोई फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, फिल्म क्रिटिक के उसके बारे में कुछ ना बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अब फिर से केआरके ने ट्वीट किया है झूठे कलेक्शंस के बारे में, और वो भी एसएस राजमौली की मैग्नम ओपस बाहुबली 2 के बारे में। जी हाँ, और केआरके ने अपने बातों को सपोर्ट करने के लिए काफी बातें कही। उन्होंने कहा कि राजमौली के फिल्म की कलेक्शंस भी उनके फिल्म की तरह है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं।
उन्होंने कहा कि जब हिंदी थिएटर्स में मूवी के 6 से 7 शोज चल रहे हैं, वो भी साउथ से 2 गुने ज्यादा रेट्स में बिक रहे हैं, तब भी साउथ का कलेक्शन ज्यादा कैसे हो सकता है भला। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बाहुबली के कलेक्शंस अजय देवगन छाप विमल पान मसाला कैलकुलेटर से किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 1,350 और हिंदी में 4,500 स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद हिंदी का बिजनेस आंध्र से कम कैसे हो सकता है, जबकि सारे शोज हाउसफुल थे। अरे यही नहीं, उन्होंने तो फेमस ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के नाम लेते हुए कहा कि वो केजो की सारी फिल्मों का स्क्रीन काउंट भी बताते हैं कलेक्शंस के साथ, पर बाहुबली 2 में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया क्योंकि वो एक सीक्रेट है। उन्होंने करण और राजामौली को उकसाते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वो खुद अपनी फिल्म का स्क्रीन काउंट बताकर दिखाए। अंत में केआरके ने फिल्म क्रिटिक्स पर व्यंग कसते हुए कहा कि सब के सब बिके हुए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आप भी केआरके की बातों से सहमत हैं? हमें बताइए और कमेंट करिए। क्या बाहुबली 2 खोल देगी 1,000 करोड़ क्लब के दरवाजे? क्या बाहुबली की ये सेकंड फ्रेंचाइजी अपने इंडिया और अब्रॉड से कमा लेगी 1,000 करोड़ रुपए? वेल, अगर हम ऐसा सोचते भी हैं तो इसमें कोई शॉक होने वाली बात तो नहीं होगी। अपने पहले दिन पर बाहुबली 2 ने 200 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है और फिर वीकेंड्स पर तो हर जगह से शोज हाउसफुल होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। जहां बॉलीवुड के खान्स की फिल्म 2 या 3 दिन में 100 करोड़ छूती है, वहां बाहुबली का अपने ओपनिंग डे पर ऐसा कलेक्शन करना काफी सरप्राइजिंग है। क्यों, है ना? इतने बड़े कलेक्शंस के पीछे काफी रीजंस भी हैं। SS राजामौली की डायरेक्शन, प्रभास और राणा दग्गुबाति की मास फैन फॉलोइंग और वाइड रीच जो कि 9,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने से इस मैग्नम ओपस को मिली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बाहुबली 2 1,000 करोड़ का नया रिकॉर्ड बना लेगी? हमें अपना विचार जरूर बताइए और कमेंट करिए। फिल्म बाहुबली 2 का कुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। ताबड़तोड़ कमाई कर रही फिल्म बाहुबली 2 का जादू से अब सुपरस्टार रजनीकांत भी अछूते नहीं रहे। जी हाँ, रजनीकांत ने फिल्म बाहुबली 2 को लेकर ट्वीट किया है। टॉलीवुड के भगवान माने जाने वाले रजनीकांत ने बाहुबली 2 को मास्टरपीस बताया है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भारतीय सिनेमा को इस फिल्म पर गर्व है। Well, अब ये काफी बड़ी बात है क्योंकि थलाइवा जनरली किसी भी फिल्म की तारीफ ऐसे ही नहीं करते। इसके जवाब में फिल्म के निर्माता SS राजामौली ने कहा कि इससे बेहतर फिल्म के लिए कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि बाहुबली 2 को खुद भगवान ने आशीर्वाद दिया है। राजामौली ने यह भी कहा कि थलाइवा के ट्वीट के बाद पूरी बाहुबली टीम 7वें आसमान पर है। Well, हो भी क्यों ना, रजनीकांत अगर किसी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं तो वो जरूर बेहतरीन होगी। क्यों, है ना दोस्तों? तो चलिए जनाब, अब आप भी हमें बताइए कि क्या आप भी बन गए हैं बाहुबली 2 के सुपर फैन जस्ट लाइक रजनीकांत? हमें नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइए और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। सलमान खान और कटरीना कैफ की टाइगर जिंदा है वैसे ही इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म थी, पर अब इस फिल्म के लिए हमारी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। वेल, जल्द ही अबू धाबी में टाइगर जिंदा है की शूटिंग शुरू होने वाली है। वेल, पूरे 65 दिन तक अबू धाबी में टाइगर जिंदा है की टीम शूटिंग करेगी। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अबू धाबी के इस 20,000 स्क्वायर फीट सेट को स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स का क्रू डिजाइन करेगा। टाइगर जिंदा है कि पहली ऐसी फिल्म होगी जो इतने लंबे समय तक UAE में शूट करने वाली है, और ऊपर से ये लाविश सेट, वाओ, टाइगर जिंदा है तो एक के बाद एक गुगली डालती जा रही है। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कॉमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। SS राजामौली की मच एम्बिशियस मैग्नम ओपस बाहुबली को वो पिछले कई सालों से प्लान कर रहे थे, पर क्या आप जानते हैं कि ये तमिल एंड तेलुगु फिल्म राजामौली पहले हिंदी में बनाना चाहते थे, और इस फिल्म की पहली चॉइस प्रभास या राणा दग्गुबाति नहीं बल्कि ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम थे। जी हाँ, यहाँ तक कि राजामौली ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट तक ऋतिक और जॉन को भेज दी थी,
और उनसे नरेशन करने के लिए वक्त भी मांगा था, पर जब ना ही ऋतिक और ना ही जॉन ने राजमौली के स्क्रिप्ट को स्वीकार किया, तभी इस दिग्गज डायरेक्टर ने इस फिल्म को प्रभास और राणा दग्गुबती को लेकर तेलुगु में बनाने का निर्णय कर लिया। अब जब बाहुबली इंडिया की सबसे बड़ी मोशन पिक्चर बन चुकी है, शायद जॉन और ऋतिक को इस स्क्रिप्ट को ठुकराने का मलाल जरूर होगा। तो दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। बैक टू बैक पोस्टर रिलीज के बाद एक बार फिर इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटिंग फिल्म ट्यूबलाइट से एक और पोस्टर रिलीज किया गया, और इस बार के टीजर रिलीज के काउंटडाउन के साथ। वेल, इंग्लिश में एक कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। शायद इस पोस्टर को डिफाइन करने के लिए कहा जा सकता है। इस फिल्म की कहानी की झलक इस पोस्टर में दिखाई दे रही है। वेल, इस फिल्म के साथ एक नहीं बल्कि दो रियूनियन हमें देखने को मिलेंगे। जी हाँ, एक तरफ ट्यूबलाइट के साथ एक्टर डायरेक्टर डुओ सलमान और कबीर खान वापसी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर खान ब्रदर्स यानी सलमान और सोहेल खान की जोड़ी एक लंबे अरसे के बाद इस फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में राय हमें बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें।